इधर पे जमा पूरा ब्लैक आइस है, कैसे निकलेगी गाड़ी, ब्लैक आइस है पूरे से में, तो बाइक कहाँ से निकालनी पड़ेगी। मेरा तो जूता भी चल रहा है, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज का प्लान है, फिलहाल मैं हूँ धारचूला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो आज का प्लान है, हमने जाना है यहाँ से नारायण आश्रम जाना है। करीब यहाँ से है 60 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है, और आज ही हम वापस भी आएंगे वहाँ से, इसलिए हम सुबह जल्दी आ रहे हैं। मेरा प्लान था सुबह 6 बजे धारचूला पहुँचने का, लेकिन ये जो इंसान है दिव्यांश, ये उठा नहीं फिर भी, और इसके ऊपर मैं डाला ठंडा पानी, तब जाके उठाया और जाके तैयार हुआ है, और इसकी वजह से हो गया हूँ मैं करीब आधे घंटे लेट। और अभी तक हमने पहुँच जाना था करीब तवा घाट, लेकिन आधे घंटे लेट है। चलो देखते हैं, यहाँ का रास्ता मेरे लिए भी नया है और आपके लिए भी नया। तो हम रुके हुए थे KMN के TR, तो मतलब रुके हुए हैं, शाम को वापस इधर ही आ जाएंगे। यहाँ पर मेरी खड़ी है बाइक, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था सही है, यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी हुई है, और आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ मैं। ये सामने बह रही है काली नदी, और उस काली नदी के उस पार है नेपाल, एक बीच में ब्रिज है, हो सकता है शाम को अगर टाइम मिलेगा तो उधर भी आपको लेके चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम कम है और वहाँ की मार्केट भी बंद होगी, और अभी गेट भी नहीं खुलेंगे, 6 बजे खुलते हैं मॉर्निंग में, तो 6 तो बज गए वैसे, खुल गए होंगे गेट, तो शाम को उधर जाएंगे हम लोग, तो देखेंगे उधर का क्या नज़ारा है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब स्टार्ट हो गया सफ़र, यह पर्यटक आवास गृह मानस धारचूला। अभी तो मार्केट पूरी बंद है यार, और ये चढ़ाई बड़ी खतरनाक है। ये नारायण आश्रम जाने के लिए कहाँ से जाना है? सीधे ऊपर को, आगे वो आएगा ना, हाँ चौराहा आएगा, हाँ एक किलोमीटर में, हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो जैसे ही धारचूला शहर में जहाँ एंट्री होती है, यहाँ से देखो पिथौरागढ़ है, 96 किलोमीटर है, और टनकपुर भी लिखा हुआ है, करीब 246 किलोमीटर टनकपुर है, हल्द्वानी 320 किलोमीटर है। यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो नारायण आश्रम आएगा, जैसा वो भाई साहब ने बताया था। ये धारचूला तवा घाट 18 किलोमीटर है, तवा घाट से रास्ता जाएगा उसका नारायण आश्रम का। तो वो सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वो पूरा नेपाल है, और हम भी ये जो रोड है ये है इंडिया में, नदी के उस पार नेपाल और इधर इंडिया, वो है धारचूला और ये है धारचूला, दोनों का आसमान एक है, बस ज़मीन अलग अलग, और कल्चर बिल्कुल सेम है।
वाटरफॉल निकल रहा है ऊपर से, बिल्कुल जबरदस्त यार, मजा आ गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाटरफॉल। देखो तो ऊपर से गिर रहा है, तो पास जाके देखते हैं क्या नज़ारा है। वाह यार देखो सामने का व्यू, ये लोग जा रहे हैं बकरी चराने के लिए। वाह वाह छोटे छोटे बच्चे बकरी के, आली ली ये दूध पी रही है। वाह छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे, ए आजा 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 आजा, मानना उनको। रोड तो यहाँ पर थोड़ी ख़राब ही है। अब देखो आप व्यू पूरे झरने का, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से कहीं दिखाई नहीं रहा, बीच में पाइप लाइन टाइप की आ रखी है। भाई साहब ठंडे से अकड़ गया भाई, मैं ठंडे से अकड़ गया, हालत ख़राब होगी। और रोड देखो आप कितनी ज़बरदस्त है। और हम लोग तवा घाट शायद पहुँच चुके हैं, वहाँ पर लिखा था तवा घाट 0 किलोमीटर, और बिल्कुल नदी के किनारे पहुँच गए। पीछे रौतीपुल एक जगह थी, वहाँ पे हमने खाई थी मैगी। अभी आ गया तवा घाट, यहाँ पर लिखा हुआ नारायण आश्रम 36 किलोमीटर, सोबला 15 किलोमीटर, NH एंट्री टाइम 5 किलोमीटर, गर्भाधार 18 किलोमीटर। यानी कि हमने यहाँ से इधर को टर्न करना है नारायण आश्रम के लिए। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रवेश किया है दारमा वैली में। यहाँ से दारमा वैली स्टार्ट हो जाती है जैसा अंकल ने बताया था। और रोड की कंडीशन देखिए आप कैसी है भाई साहब, रोड में गाड़ी फंस गई है। एक्चुअली हम दो जने बैठे हुए हैं बाइक पे, और ये रोड पूरी ऐसी है, लगभग लगभग खतरनाक ऑफ रोड है भैया। अब डबल सवारी में एक्सपल्स देख लो आप, एक्सपल्स का रोड रिव्यू बन जाएगा ये ऑफ रोड रिव्यू। अभी हम डबल सवारी पे चल रहे हैं इसमें, और मेरे तो नाक से पानी निकलने लग गया, ठंडा इतना हो गया, हाथ भी अकड़ गया। गुफा आ गई, गुफा ये गुफा के अंदर गुजर गए, बाहर निकले। ये कहाँ जाने जाते हैं समझ में बात नहीं आ रही है। ये है शायद डैमो, मजा आ गया यार, क्या रोड है। डैम के किनारे तो बड़ी चोट बना के रखी हुई है। स्पीड ब्रेकर बहुत बड़े बना रखे हैं। ये नीचे है डैम पानी का, वो जो झरना हमने बीच में देखा था ना, वो झरना इसी डैम का पानी छोड़ा जा रहा है। ये वो नीचे अंकल बता रहे थे, एलगाड़ करके एक जगह का नाम था वहाँ पे। और नारायण आश्रम मेरे ख्याल से अभी होगा करीब 40 किलोमीटर होगा अभी। और यह है डैम का खूबसूरत नज़ारा, पूरा नीला सा पानी, पूरा रिफ्लेक्शन उसका पहाड़ का नीचे तक। एक दर्रा है 114 किलोमीटर, नारायण आश्रम 29 किलोमीटर, सोबला 9 किलोमीटर, जमकू 5 किलोमीटर यहाँ से ऊपर की ओर को। तो टाइम हो गया है 8:49। अरे भयंकर रोड बड़ी खतरनाक है, गाड़ी बहुत पड़ रही है। दो दो दे दे उनको बांटने, लो बेटा चॉकलेट खाओ, अरे लो खा लो खा लो, कोई बात नहीं बांट लेना, ठीक है। दो ही चॉकलेट बची है, अरे क्यों रहते हो, ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है बाय, मिलेंगे दोबारा। पंचाचुली यहाँ से 28 किलोमीटर, काला पानी 110 किलोमीटर, नारायण आश्रम 26 किलोमीटर, सोबला 5 किलोमीटर। तो यहाँ से नारायण आश्रम को जाना है राइट,
नारायण आश्रम में काला पानी के लिए जाना राइट, नारायण आश्रम के लिए। वहाँ देखो केव मेन का रिजॉर्ट भी है 26 किलोमीटर दूरी पे नारायण आश्रम के पास। और ठंडा ये देखो ब्रिज, आवाज़ सुन रहे हो आप? हाँ हाँ, क्या आवाज़ आ रही है। ब्रिज की आवाज़ भी जबरदस्त है। तो वो वहाँ पे सेके थे हम उस टाइम पे धूप, और ये रास्ता पूरा पार करते हुए वो नीचे पूरी दारमा वैली से हम लोग निकल चुके हैं व्यास वैली में। आप देखो नीचे का नज़ारा, वो जो सामने रोड जा रही है वो जा रही है पंचाचुली बेस कैंप को, और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे गांव हैं नीचे, इस गांव को रोड गई हुई ऐसे ऐसे करसरी हो गए। और रोड की कंडीशन तो भाई साहब बहुत बुरी है। जैसे यहाँ पहुँचे हैं मैंने कहा ब्रेक ले लो भैया, 10 किलोमीटर चला के ब्रेक ले लो चाहे कुछ भी हो। साहब यहाँ है भी ठंडा, यहाँ गिरी हुई है बर्फ जिसकी उम्मीद नहीं थी। और ये नदी छोटी सी नीचे बहते हुए छोटा सा पुल बना रखा है, अब यहाँ से ऊपर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे हम। ब्लैक आइस है इसमें तो यार, रोड पे पूरी रोड पे ब्लैक आइस है। इधर पे जमा पूरा ब्लैक आइस है, कैसे निकलेगी गाड़ी? ब्लैक आइस है पूरे से में, तो बाइक कहाँ से निकालनी पड़ेगी भाई साहब? ब्लैक आइस ने ले ली है पूरी जान, लग रहा है यहाँ पे कि होगी नहीं, लेकिन जो धूल के नीचे है पूरी ब्लैक आइस है। गाड़ी इतनी ज़्यादा रोल हुई, फिर जैसे मेरा चार बोल रहे स्टार्ट नीचे तो पूरा कांस था। बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब, थक गया। बाइक को धक्का मार के ना 100 मीटर धक्का मार के ला रखा हूँ। जब आप आए हैं यहाँ भी रुक सकते हैं, हम तो खैर वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केएम में इनका गेस्ट हाउस है, और नीचे यहाँ पे इग्लू हाउस भी हैं। नीचे इग्लू हाउस बन रखे हैं, आप चाहे इसमें रहें चाहे आप ऊपर रूम पर रहें, वो आप पर डिपेंड करता है। और रेंट भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 500 रुपये तक मिल जाता है रूम यहाँ पे, जैसे मतलब उन्हें नीचे धारचूला वाले ने बता रखा है। तो सामने नारायण आश्रम में जाकर देखते हैं। नारायण आश्रम समुद्र तल से ऊंचाई 2734 मीटर 8,969 फीट यह, और ये ऊपर आश्रम है और यहाँ पे गेट। चलते हैं ऊपर, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो यह है पूरा कैलाश मानसरोवर का ट्रैक का पूरा मैप, कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे नेपाल है, कहाँ पे तिब्बत है, इसमें पूरा दिया हुआ है। ये धारचूला से तवा घाट ऐसे करके पूरा रूट आपको लेके चलेगा कैलाश मानसरोवर पे। दिव्यांश काफ़ी खुश हो रखा है, कह रहा मज़ा आ गया यहाँ आके, इतना कुछ मुंशारी भी नहीं था जितना ये नारायण आश्रम आके खुश हो रखा है, क्योंकि इसकी यहाँ हालत ख़राब भी ना रास्ते पर इसलिए। तो ये है सामने नारायण आश्रम।
चारों ओर हिमालय है, पूरी बर्फबारी है पूरे हिमालय में, और इधर भी, इधर का तो नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ से लगा कि बिल्कुल पास में हम, ये सामने सारे पहाड़ों पे बर्फ गिरी हुई है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा प्रांगण है नारायण आश्रम का। ये पूरा आश्रम अभी ये बंद है, ये मंदिर द्वार ये है इसका, अभी ये बंद है। आजकल जब कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है तब ये ओपन होता है। अब शिवरात्रि के दिन ओपन होगा, नीचे जो रह रहे हैं वो बता देते हैं। रास्ता धारचूला से नारायण आश्रम आने तक का कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसे दबा के चैनल ज़रूर दबाना, ज़रूर दबाना। टू सब्सक्राइब आदि ब्लॉग्स, आदि ब्लॉग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम मिलते हैं, अभी हम चले जाएंगे वापस धारचूला, फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ से कि कहाँ निकलेंगे, क्योंकि वापस वही रास्ता फॉलो करना है मैंने जिस रास्ते में आया था, तो उसका ब्लॉग बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।